जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ मामले पर फैसला सुनाया। सीजीआई ने साफ कर दिया कि विवादित जमीन का बंटवारा नहीं किया जाएगा। सीजीआई ने कहा कि आस्था और विश्वास पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। हिंदुओं का विश्वास खाली नहीं साबित हुआ है। कोर्ट ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि बाबरी के ढांचे के नीचे मंदिर के सबूत मिले हैं। एएसआई ने कहीं भी ईदगाह की बात नहीं की है। सीजीआई ने कहा कि आस्था पर जमीन के मालिकाना हक का फैसला नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले का आधार काफी हद तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई और उसके नतीजे को रखा। एएसआई के मुताबिक विवादित बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। नीचे बड़ी रचना पहले से मौजूद थी जो निश्चित रूप से इस्लामिक नहीं थी। वहां मिली कलाकृतियां मंदिरों में इस्तेमाल की जाने वाली थी। एएसआई ने अपनी जांच में बताया कि वहां पर 12वीं सदी का कोई मंदिर रहा होगा। विवादित बाबरी मस्जिद को बनाने में भी पुराने मंदिर के ढांचे की चीजें इस्तेमाल में गई। कसौटी का पत्थर, खंबे मंदिर जैसे थे। हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने साफ साफ ये नहीं बताया कि मंदिर तोड़कर ढांचा बना था या नहीं। इस दौरान 12वीं से 16वीं सदी तक विवादित जगह पर क्या हो रहा था ये साफ नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बहस के दौरान अपने दावे को बदला। आखिरी दावे में उसने विवादित जगह पर ईदगाह बताया जिसके प्रमाण नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया। निर्मोही अखाड़े का दावा भी खारिज कर दिया। केवल रामलला को मुख्य पक्षकार माना गया। कोर्ट के मुताबिक निर्मोही अखाड़ा भी अपना दावा साबित नहीं कर पाया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनाने का भी पूरा ब्लूप्रिंट दे दिया है। इसके लिए 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन करना है। बोर्ड को विवादित स्थान मंदिर निर्माण के लिए दे दिया जाना है। निर्मोही अखाड़े का राम मंदिर पर दावा सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, मगर केंद्र सरकार को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में उसे सही प्रतिनिधित्व दिए जाने को कहा गया है। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज तय करेगी। अयोध्या में पत्थर तराशने से लेकर पिलर निर्माण तक का कई काम पहले से ही लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में मंदिर बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक हिस्सा देने का इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला गलत था। अदालत ने अयोध्या मामले में मध्यस्थ जस्टिस रिटायर्ड कलीफुल्ला, श्री राम पांचू और श्री श्री रविशंकर की भूमिका की तारीफ की। अदालत ने टिप्पणी की कि ये मध्यस्थ बातचीत कर मसले के हल के काफी करीब तक पहुँच चुके थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार जल्द ही विवाद खत्म करने की पहल करेगी। आरएसएस ने कहा, यह फैसला किसी की हार या जीत से नहीं जुड़ा है। सभी को मिलकर मंदिर का निर्माण करना है। मस्जिद की जमीन सरकार देगी। बताता हूँ, श्री राम जन्म भूमि के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस देश की जनभावना, आस्था एवं श्रद्धा को न्याय देने वाले निर्णय का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वागत करता है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि अयोध्या में भव्य मंदिर बनेगा, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे किसी की समझ में डर या गुस्सा पैदा हो। मर्यादा को नहीं तोड़ना है। राम आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने फैसले को ऐतिहासिक बताया और उसका स्वागत किया। समय से जो चला आ रहा था यह संघर्ष, इसका पूर्ण विराम हो गया है। अब देश की जनता आगे प्रगति के पथ पर चले। साफ है, हिंदू पक्ष देश में सद्भाव बनाए रखने के पक्ष में है और अपने लोगों से संयम से काम लेने की गुजारिश कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जफरयाब जिलानी ने देश की आवाम से अपील की कि किसी की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो। जिलानी के मुताबिक ये किसी की हार या जीत नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। वकील राजीव धवन से बात करके वो आगे की रणनीति तय करेंगे। 5 एकड़ की कोई वैल्यू नहीं हमारे लिए है। हम मस्जिद को अल्टरनेट कोई प्लेस अगर हम डिटेल पे डिस्कस करेंगे उसके बाद तय करेंगे। नॉट सैटिस्फाइड विद जजमेंट एट ऑल, बट वी विल डिस्कस इट। वी रिस्पेक्ट द and we appeal to the nation to observe calm and quiet and remain peaceful. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं दिखे। और मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है मगर इनफेलेबल नहीं है।
सुप्रीम जरूर है मगर इनफैलेबल नहीं है। बाबरी मस्जिद के मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने बताया कि वो फैसले से संतुष्ट हैं। कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए। देखिए ऐसा है ना कि हम इससे पहले भी कहते हैं कोर्ट ने जो भी कहा है वो ठीक कहा, हम उसका सम्मान करते हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की है, वो कहा देती है कहा नहीं देती है। जफरयाब जिलानी अपने वकीलों और कमेटी में चर्चा कर पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं। लखनऊ में सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी ने कहा, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विनम्रता से स्वीकार करते हैं। हम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन नहीं डालेंगे और ना ही क्यूरेटिव पिटीशन डालेंगे। किसी वकील या किसी व्यक्ति का रिव्यू के संदर्भ में बयान सुन्नी वक्फ बोर्ड की लाइन नहीं है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी रिव्यू फाइल नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी 5 एकड़ जमीन के मामले में हमने कोई फैसला नहीं लिया है। ओबीसी बोर्ड के मेंबर भी नहीं हैं, उनके बयान का कोई मतलब नहीं है। अगर सरकार से कोई बातचीत होगी तो हम बात करेंगे। बोर्ड की बैठक के बाद आगे की प्लानिंग पर बात होगी। आपको बता दें कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने फैसले पर असंतोष जताते हुए कहा था कि हम रिव्यू पिटीशन डालेंगे। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने लिखा कि यह बताता है कि किसी विवाद को सुलझाने में कानूनी प्रक्रिया का पालन कितना अहम है। हर पक्ष को दलील रखने का पूरा वक्त दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कई दशक से चले आ रहे मामले को अच्छी तरह से सौहार्दपूर्ण तरीके से हल कर दिया। राम भक्ति हो या रहीम भक्ति, ये समय सभी के लिए भारत भक्ति को मजबूत करने का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने देशवासियों से देश की एकता और सद्भाव बनाए रखने में सहयोग की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फैसले का स्वागत किया। शाह ने कहा कि फैसला देने के लिए सभी जजों का अभिनंदन है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मील का पत्थर साबित होगा। इससे पहले गृह मंत्री ने देश के कुछ मुख्यमंत्रियों से भी बात की और उनसे उनके राज्यों के हालात की जानकारी ली। शाह ने उनसे पुलिस एवं प्रशासन सतर्क रहने और कोई अप्रिय घटना नहीं हो ये सुनिश्चित करने को कहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामाजिकता निभाने को और मजबूत करेगा। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ये फैसला दिया है वो एक ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले के संबंध में मैं ये भी कह सकता हूं कि ये इतिहास का एक लैंडमार्क जजमेंट है। सहज रूप से सभी को इसे स्वीकार करना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। निष्पक्ष फैसले का सारे देश के सभी समुदाय ने मिलकर के स्वागत किया है और इससे इस राष्ट्र की महानता समझ में आई है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार समेत कई लोगों पर अयोध्या में ढांचा गिराने पर केस अब भी चल रहा है। इस पर लखनऊ की विशेष अदालत को फरवरी 2020 से पहले फैसला सुनाना है। अयोध्या फैसले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पार्टी ने कहा कि इस फैसले के बाद अयोध्या मामले के राजनीतिकरण के रास्ते बंद हो जाएंगे। कांग्रेस ने खुद को मंदिर निर्माण के पक्ष में बताया। राम मंदिर के निर्माण के द्वार तो खुल ही गए जैसा आपने कहा, लेकिन इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोगों के सत्ता के भोग के लिए देश की आस्था के साथ राजनीति करने के द्वार भी हमेशा के लिए बंद हो गए। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राम मंदिर निर्माण और अयोध्या निर्णय के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया। महासचिव प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि अयोध्या के फैसले के बाद सभी पक्षों, समुदायों, नागरिकों को इसका सम्मान करना चाहिए। हमें सदियों से चली आ रही मेलजोल की संस्कृति को बनाए रखना चाहिए। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्वीट में कहा कि सभी को इस फैसले को पूरी गंभीरता और धैर्य से स्वीकार करना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि वो फैसले का सम्मान करते हैं। आपसी भाईचारा, संयम, अमन चैन, शांति, सद्भाव हम सब बनाए रखे। कमलनाथ ने कहा कि केंद्र ने उन्हें सुरक्षा को लेकर मदद की पेशकश की मगर उन्होंने फिलहाल इसके लिए मना कर दिया है।
अयोध्या मसले पर अलग अलग पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कई दशकों से चला आ रहा विवाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से खत्म कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबको स्वागत करना चाहिए, ये सामाजिक सौहार्द के लिए फायदेमंद रहेगा, इस मुद्दे पर आगे विवाद नहीं होना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के धर्मनिरपेक्ष संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आम सहमति से फैसला सुनाया है, इसका स्वागत करते हुए लोगों को सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, देश के हर मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारे अपने हैं और रहेंगे। राजनीतिक दलों को अब अच्छे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय और अस्पताल बनाने, किसानों के कल्याण, गरीबों के उत्थान और युवाओं को रोजगार दिलाने पर काम करना चाहिए। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद देश भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, सड़कें, हर जगह चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हर पक्ष ने स्वागत किया है, फिर भी यूपी और दिल्ली में खास तौर पर सुरक्षा कड़ी है। फैसला आने से पहले भी यूपी के संवेदनशील इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात थी और ये फोर्स फिलहाल हटाई नहीं जाएगी। लखनऊ और अयोध्या में हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है, लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं। हालांकि सुबह लोगों को सलाह दी गई थी कि अगर जरूरत नहीं है तो वे अपने घरों से बाहर ना निकलें, लेकिन अभी माहौल सुरक्षित है। यूपी की सड़कों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात नजर आ रही है। इसके अलावा कई और शहरों में भी पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी पर हैं। डीएम और एसएसपी लगातार सड़कों पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा को लेकर जीआरपी और आरपीएफ अलर्ट पर हैं। यार्ड, पार्किंग स्थल, पुलों और सुरंगों के साथ उत्पादन इकाइयों और कार्यशालाओं में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों के करीब और उसके दायरे में आने वाले धार्मिक स्थल पर खास नजर रखी जा रही है। धार्मिक स्थलों की देखभाल करने वाले लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश भी है।